वंदना गोरखपुरी ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो देखिए हमारा बड़ा बेटा क्या कर रहा है, मैगी बना रहा है। देखिए सोयाबीन डाल रहा है मैगी में, देखिए कैसे बना रहा है। तो हम लोग मैगी बनाते हैं उसमें सोयाबीन भी थोड़ा सा डाल देते हैं, अच्छा लगता है। देखिए मसाला डाल रहा है, पूरा ब्लॉग देखिएगा आप सब प्लीज़। देखिए दो मैगी है, उसमें थोड़ा सा हम लोग सोयाबीन डाल देते हैं, थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। हमारा बेटा बोल रहा था मम्मा मैं बनाऊंगा, हम कहा चलो आओ बनाओ। फिर देखिए बना रहा है, सीख रहा है। कहीं मैं चली जाऊंगी तो बना के खा लेगा ना ये, इसलिए मैं सिखा रही हूँ अपने बड़े बेटे को मैगी बनाना, कैसे कैसे बनाया जाता है। तो देखिए बना रहा है मैगी, देखिए मैं इसमें मैगी डाल रही हूँ। पूरा ब्लॉग देखिएगा दोस्त आप सब, अच्छा लगेगा तो कमेंट में ज़रूर बताना और सपोर्ट ज़रूर करना, जितना भी हो सके ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना दोस्त आप सब। देखिए मैं मैगी डाल दी हूँ, जिस जिसको खाना है मैगी कमेंट में ज़रूर बताना। हमारे बड़े बेटे के हाथ की मैगी किसको खाना है, देखिए पता नहीं क्या बोल रहा है, आवाज़ भी नहीं आ रही है। देखिए मैं पानी डाल रही हूँ बोतल से, वो भी मैगी पकने के लिए। चला रहा है, देखो कैसे चला रहा है, दाल पे हाथ रख के। देखिए अब छोटा बेटा हमारा बनाएगा मैगी, देखो कार्तिक आ गए मैगी बनाने, इनको भी शौक लगा है मैगी बनाने का। देखिए हमारे दो दो बेटे खाना बनाने के लिए तैयार हो गए हैं, देखो क्या कर रहा है ये छोटा बेटा हमारा। उसको देखिए चलाने जा रहा था पर चलाएगा नहीं। देखो आटा गूंद के रखी हूँ, रोटी बनाऊंगी, तो आज हमारे यहाँ मैगी रोटी हम सब खाएंगे। देखिए वहाँ मैगी बन रहा है हमारा, देखिए कैसे हंस रहा है हमारा बाबू छोटा सा। देखिए अब मैं रोटी बना रही हूँ, देखिए रोटी हमारा बन रहा है। जिसको खाना है मैगी रोटी ज़रूर आइएगा मैगी रोटी खाने के लिए। रसोई नहीं है दोस्त, हम नीचे ही बैठ के खाना बनाते हैं, उतना साफ नहीं दिखता है, थोड़ा सा अंधेरा ही दिखता है क्योंकि लाइट कम है ना, इसीलिए साफ नहीं दिखता है। ये रोटी ये भी बन रहा है, दो ही चार रोटी बना। देखिए यहाँ मैगी हमारा बन चुका है, थोड़ा सा और पकेगा, सूख जाएगा थोड़ा सा और। ये हमारा मैगी भी बन गया, हमारा रोटी भी बन गया। जिस जिसको खाना है तो आ जाइए लुधियाना में मैगी रोटी खाने के लिए, क्योंकि हम लुधियाना रहते हैं। अभी हम सब बैठ के खाएंगे, अगर आप लोग को खाना है तो आ जाइए फटाफट लुधियाना, जो लुधियाना में हो तो आ जाइए सुभाष नगर मैगी रोटी खाने के लिए। तो हमारा रोटी बन के रेडी हो गया, ये रोटी बन चुका हमारा, मैगी भी बन गया के रेडी हो गया, अब हम लोग खाएंगे। तो ब्लॉग पूरा देखिएगा दोस्त, अच्छा लगेगा तो कमेंट ज़रूर बताना।